पाकिस्तान ताज महोत्सव का आगाज खास प्रस्तुतियों ने जीता दर्शकों का दिल। G20 आयोजन वर्ष में विश्व बंधुत्व की थीम पर शिल्पग्राम में ताज महोत्सव का सोमवार को आगाज हुआ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिल्प कला और संस्कृति के मेले का दीप जलाकर उद्घाटन किया। महोत्सव 1 मार्च तक चलेगा। देशभर के 350 से ज्यादा शिल्पियों के स्टॉल यहां लगाए गए हैं। पहले दिन मुक्तक काशी मंच पर बरस के फूलों की होली, रास, मयूर नृत्य और चरकुला की प्रस्तुति दी गई, जबकि रात में बॉलीवुड पार्श्व गायक अमित मिश्रा के गीतों का जादू चला। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विश्व बंधुत्व के संदेश के साथ महोत्सव में आए सैलानी देश के शिल्प कला को भी समझ सकेंगे। संस्कृति किसी भी समाज का प्राण है। DM नवनीत सिंह चहल ने महोत्सव के बारे में बताया कि शिल्पग्राम के साथ आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट, चौपाटी, सूर सदन, सदर बाजार में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। उद्घाटन में गायक सुधीर नारायण के साथ कलाकारों ने विश्व बंधुत्व पर आधारित गीत लेकर मन में भाव विश्व बंधुत्व का हमने प्रेम के सदा तराने गाए हैं को प्रस्तुत किया। इस दौरान कमिश्नर अमित गुप्ता, नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे, CDO ए मणिकंदन, ADO उपाध्यक्ष चर्चित गौर, ADM यशवर्धन श्रीवास्तव मौजूद रहे। ताज महोत्सव में कश्मीर से केरल तक के शिल्पियों की कला नजर आएगी। कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मेरठ, भदोही, सहारनपुर आदि जनपदों के शिल्पी प्रमुख रूप से आए हैं। इन शिल्पियों के बेहतरीन शिल्प जैसे आंध्र प्रदेश व बिहार का सिल्क एवं ड्रेस मटेरियल, जम्मू कश्मीर का सूट एवं शाल, वाराणसी का सूट एवं साड़ी, पिलखुआ की बेडशीट, सहारनपुर का फर्नीचर, खुर्जा की पोटरी, फरीदाबाद का टीरा कोट, भदोही का कालीन मिलेगा। ताज महोत्सव के उद्घाटन पर ताज नगरी मोड़ पर ही पार्किंग के सामने पुलिस ने बैरियर लगा दिया। उससे आगे होटल में ठहरे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के वाहनों को रोक दिया और उनसे पैदल जाने के लिए कहा गया। क्षेत्रीय निवासी और होटल एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि बैरियर से आगे किसी को वाहन ले जाने नहीं दिया, जबकि अमरलोक कॉलोनी धानदोपुरा रोड जालमा के सामने लोग शाम को ऑफिस से लौट रहे थे, इन सभी को पैदल जाने के लिए कहा गया। बॉलीवुड गायक अमित मिश्रा ने देर रात मंच पर जैसे ही एंट्री की, दर्शकों ने जोरदार सीटी और तालियों से उनका स्वागत किया। युवाओं की संख्या दर्शकों में ज्यादा थी, जो अमित मिश्रा के गणपति बप्पा मोरिया, फिकर नॉट बोलिया और गलती से मिस्टेक हो गया जैसे गीतों पर उनके साथ ही थिरकते नजर आए।